और ये कहते हैं हमने राम मंदिर बनाया, ये बहुत बड़ा झूठ है, ये लोहे का चश्मा है जो हमारे दिमाग पे चढ़ा दिया। तुमसे धन इकट्ठा किया जाता है, आप सोने चांदी की ईंटें चढ़ाते हो। मैं उनका मोदी जी को लिख के दे रहा हूँ, और मोदी जी को लिख के दे रहा हूँ मैं उनका। मोदी जी आप झूठ बोलते हैं ना। हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान से पहले इंसान हैं, और इंसानियत उसे कहते हैं जिसमें इंसानियत हो, सच बोलने की क्षमता हो, इंसाफ की बात करता हो, हर तरह के अपराध के खिलाफ बोलता हो। क्या करने आए? बोलिए। हम यहाँ यूं आए आज कि हम ये अंधी सरकार, बहरी सरकार, गूंगी सरकार जो आज देश चला रही है, ये देश को धोखा दे रही है, छलावा कर रही है देशवासियों, छलावा कर रही है, विकास कर रही है। और मेरे देश के हिंदू भाइयों, आपसे बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। आपको ये कहा था ना कि ये मुसलमानों का पक्ष लेने वाली पार्टी है, या इनके बड़े मुसलमान थे, ये झूठ बोला है, बहुत बड़ा झूठ। ये पेवर हिंदुओं की और तपस्वियों की पार्टी है, और ये कहते हैं हमने राम मंदिर बनाया, ये बहुत बड़ा झूठ है, ये लोहे का चश्मा है जो हमारे दिमाग पे चढ़ा दिया, इसको उतार के फेंक दो, ये बहुत बड़ा छलावा है तुम्हारे साथ। हर 10-20 साल में राम के नाम पे तुमसे धन इकट्ठा किया जाता है, आप सोने चांदी की ईंटें चढ़ाते हो, उससे ये प्रचार करते हैं। 15 साल पहले, 16 साल पहले इन्होंने एक योजना बनाई थी, खतरनाक योजना, कि हम ये वर्तमान सरकारों को बदनाम करके और अपने आप को एक बहुत बड़ा देशभक्त साबित करेंगे। ये जानते हो राम मंदिर बनाने का सारा काम तो मोदी जी ने किया है, पिछली सरकारों का करा हुआ है। मोदी जी ने किया है? नहीं, झूठ है ये। अरे मोदी जी, मैं सच बता रहा हूँ ना, अभी सच तो सुनो। राजीव गांधी जी ने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखी थी, 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव ने तुड़वाई थी, अगर चाहते 1 दिसंबर को सेना लगा देते, और अगर ना टूटती तो सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों का फैसला देते। ये सब तो सुप्रीम कोर्ट ने करा। पार्टी एक ही है, झूठ बोल रहे हैं ना, हिंदुओं को लूटने की पार्टी। हर 10-20 साल के बाद लाओ राम के नाम पे चंदा, लोग सोने चांदी की ईंटें डालते हैं, धन का धन पलट देते हैं, मंगलसूत्र तक डाल देती है बहुत सारी औरतें, जो सुरक्षित रखती हैं कि चलो राम के नाम पे पति के निशानी को डाल देते हैं, हमारा ईश्वर साथ देगा। लेकिन नहीं, ये तो धन लूट रहे हैं राम के नाम पे। आप क्या लूट? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सरकारों ने काम किया था राम मंदिर का, सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे देश के हिंदू भाइयों को धोखा दे रहे हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, नहीं, इससे तो हमारा देश नुकसान में जा रहा है। मीडिया कैसे काम कर रहा है? मीडिया, अरे यार छलावा बता रहा है, सब झूठ बोल देता है, वो फलानी लेडीज वो कर दिया, उसको है बस श्रद्धा, ये वो चुनाव जीत लिया। अबे यार, एक मेरा भैया केजरीवाल जी, बताओ भैया, अरे उनको मैंने यहाँ इस्तीफा दिलवाया था, 7 दिन के धरने पे बैठा था मैं, वो तन्वीर भारती हूँ, और फिर 67 सीट दिलवाई थी, उन्होंने कहा था नौकरी लगाएंगे वर्करों को, मैं भी एक वर्कर हूँ, 5 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मुसलमानों के बारे में फ्रंट पे नहीं आते हो? अजी 5 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ। अरे मुसलमानों की छोड़, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करनी हमें, जो जात की बात करे वो जानवर वाली बात हो जाती है, वो तो बीजेपी का काम है, हमारा नहीं, हम इंसानियत वाले लोग हैं, संविधान को मानना है हमें, इंसानियत के दायरे में रहना है हमें, और उसी दायरे में रह के सच्चाई बतानी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये बाई डाक भेजी है, है? क्या हुआ केजरीवाल जी, भैया से गोभी दी थी एक, के जी मेरी तनख्वाह दे दो, मैं जल बोर्ड का पानी चलाता हूँ दोनों टाइम, एनडीएमसी में था तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था, एमसीडी में लगा दिया गया वहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, अब दिल्ली जल बोर्ड में वहाँ तनख्वाह नहीं मिल रही है, हैं? और मोदी जी का इतना बड़ा झूठ कि मैं 8 साल से प्लॉट मांग रहा हूँ, के जी अटल बिहारी वाजपेयी, अरे कहाँ मिला जी, नहीं मिला, फिर मुझे पुलिस बुलाओ, मुझे बंद करा दो, मैं झूठ बोल रहा फिर तो।
नहीं मिला यार, मेरी आधी फैमिली मर गई, मेरी माँ मर गई, मेरे बाप मर गए, झूठे मोदी जी को बदनाम, मेरी भाई मर गया, आधी फैमिली मर गई। कैसे मकान नहीं मिला? पर अरे 22 साल से प्लाट नहीं मिला, 23 साल लग गया। तो फर्जीवाड़ा करेंगे तो प्लॉट थोड़ी मिलेगा। कैसा फर्जीवाड़ा आपने किया होगा? अरे यार तो जेल में डाल दो ना झूठे तो। कौन डालेगा? अरे यार गोदी मीडिया कहाँ है, उसे बुलाओ आज। आज यार उन्हीं से लड़ेंगे। ओ गोदी मीडिया तू तो क्या इंसाफ हो यार, तू क्योंकि वो दिला देंगे, वो मोदी के आदमी है ना। हाँ वो दिला देंगे उस्ताद, मोदी तक जाएंगे। हाँ वो मोदी अडानी अंबानी वाले हैं ना। मन की बात देखो जी, नौकरी की तो तनख्वाह चाहिए, नौकरी तो मैं कर ही रहा। अगर आपको चाहिए मैं, हाँ हाँ जी, अगर आपको चाहिए जाइए बागेश्वर धाम, एमपी चमत्कार हो जाएगा। अरे साहब छोड़ो, इन्होंने ही तो भक्तों ने बिचारों ने मारा, मोदी से बड़े भक्त कोई नहीं है, बड़ा झूठ बोलते हैं। किसने मारा? किसने? ये जो हमारे बाबा लोग हैं, मुल्ला जी बड़े बड़े जो यूं कहते हैं, बस मैं यही जगा दूंगा। हाँ ये फर्जी होते हैं यार, बेकार की बात है। मुसलमान में भी देखो सुनो, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है, वो है वहाँ बस, और बाकी हम यहाँ उनकी संतान है। काम करो यार, मेहनत करो, पानी पियो। कर रहे हैं मेहनत? हाँ मैं पानी चलाता हूँ दोनों टाइम, 725 घरों को पानी देता हूँ भाई। आज टाइम निकाल के आया हूँ, बहुत मजबूरी में परेशान हूँ यार। जाइए धीरेन्द्र शास्त्री के पास। मोदी जी आप झूठ बोलते हैं ना? आप बोल रहे हो। अरे नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा सुनो यार, आज तुम सच पे बात करियो। तुम्हारा नाम क्या है? नाम बता दो यार। आकाश। आकाश भाई, आकाश भाई देखो, हिंदू हिंदू मुसलमान तो झूठ बोलता नहीं, हिंदू भाई झूठ बोलता है कहीं? बोलता है मुसलमान नहीं बोलता। अरे नहीं मदारी बोलता है यार, वो चूतिया बनाता है आदमी का बेवकूफ। सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी मेरे देश के वासियों, मेरे माफ कर दियो। मैं देखो गुस्से में थोड़ा सा, 22 साल से परेशान हूँ इस भारत सरकार से, झूठी सरकार। कांग्रेस भी है उसमें तो, 22 साल में तो कांग्रेस भी थी, कांग्रेस भी आई थी उसमें। हाँ यही पता क्या कहते थे, इन्होंने मेरे को क्या कहा था, इन्होंने प्लाट तो दिए थे लेकिन बीच में से आरएसएस वालों ने छीन लिए वो। आरएसएस वाले? अरे देशभक्त संगठन है भाई वो, सांस्कृतिक संगठन आरएसएस। आरोप मत लगाइए। मेरे आगे जो बीजेपी वाले ना, उन्होंने छीन लिए सारे। मैं उनका मोदी जी को लिख के दे रहा हूँ, मोदी जी को लिख के दे रहा हूँ मैं उनका। वो तनख्वाह तो दी नहीं जा रही उससे यार, मैं उसी में तो नौकर हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री उसी में नौकर हूँ मैं, तनख्वाह भी नहीं दी जा रही उसमें। 2024 में केजरीवाल प्रधानमंत्री, ये देखो 2024 में मोदी जी, ये देखो राष्ट्रपति तक को लगा दी। अरे यार 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बदलाव आएगा, केजरीवाल करेगा, बदलाव आएगा, बदलाव आएगा, बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। अरे यार बनेगा कौन? केजरीवाल। मैं प्रधानमंत्री तय करने वाला कौन होता हूँ यार, सांसदों को करना है। अरे क्या लगता है आपको यार? सांसद करेंगे ना, उन्हीं से वोट दिलवा देना बस। सांसद करेंगे, प्रधानमंत्री कौन तय करेगा? सांसद कौन चुनेगा? सांसद मेरे देश की जनता चुनेगी। चुन तो ली, बदलाव होएगा, चुन ली है प्रधानमंत्री। लो यार 56 इंच का सीना नहीं बता रहा हूँ, मोदी जी का छाती होगी कोई बात नहीं, मोदी जी का, मगर गारंटी से बदलाव होगा। मोदी नहीं तो कौन? आप देशद्रोही हो, बदलाव, आप देशद्रोही हो। जेल में डाल दो, तनवीर भारती है यार, सिंगू बॉर्डर पे आ जाते ना, रोज बुलाते थे हम तुम्हें, आओ आओ पुलिस लेके आओ। क्यों हम नकली नहीं है यार? नकली है? नहीं असली। अच्छा सच बोल, सच बोल रहे हैं। नकली कौन है? मोदी का तो विरोध करेगा नकली है। नहीं जी, जो सच बोलेगा वही उसे ही कह देंगे वो तो, जो सच बोलेगा। मेरे पे तो सच है यार, बोलो झूठ बोल दो, एक एक झूठ बताओ। सारे झूठ हैं। आप इतने सारे लोग, आप कांग्रेसी हो बस एक लाइन में। नहीं जी नहीं नहीं, आप कांग्रेसी करेगा मोदी? आम आदमी, आम आदमी, मैं आजाद उम्मीदवार, आम आदमी। कहाँ से आए हैं? उम्मीदवार नरेला दिल्ली, नरेला से। मोदी जी के भाई ने भेजा था, बड़े भाई ने, लेकिन वो आदमी बहुत अच्छे थे। बाईस साल पहले वो प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल, 21 साल पहले कौन, उन उनको मैं आज भी सलूट। देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं मानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान थे। देश का पहला पीएम कौन था? एक भी संविधान नहीं तोड़ा था इन्होंने, कोई नहीं छोड़ा। अरे आप इधर आओ, देश का पहला पीएम कौन था? पटेल, पटेल। इन्होंने संविधान को, देश का पहला प्रधानमंत्री बताओ, याद है कुछ? याद है इस दिमाग में है कुछ? हाँ पटेल साहब, देश का पहला पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, पहला पीएम। अच्छा जनरल वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल,
पंडित जवाहरलाल ने। अभी कौन है प्रधानमंत्री? अभी मोदी जी। कैसा कर रहे हैं काम? मैं अनपढ़ हूँ यार, देखो पहले बता दिया मैंने, मगर मैं कार्यकर्ता बहुत पुराना हूँ। किसका? नहीं मोदी का नहीं, सच बोलने वाले का, महात्मा गांधी का। गोडसे? महात्मा गांधी। गोडसे का? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ये कौन थे? गोडसे कौन है? गोडसे मेरे देश के राष्ट्रपिता, जिन्होंने कुर्बानी दी, आज मेरे देश का युवराज उस कुर्बानी को दोबारा दोहरा रहा है। कौन युवराज? पप्पू? पप्पू तो नाजायज लोग कहते हैं, मैं तो उसे शेर गौरव मानता हूँ। अच्छा। आज के टाइम का गौरव नजर आ रहा है मुझे। नहीं मैं आम आदमी आजाद उम्मीदवार हूँ, आजाद उम्मीदवार हूँ। कुर्बानी सुखदेव और राजगुरु ने भी सब ने दी। बलिदानी ये कौन बन गए? उनका कहीं नामो निशान नहीं है। नहीं, नाम नहीं। भाई भाई उन्होंने जिन माँ ने अपने बेटे को खोया ना, उन्होंने बलिदानी दिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।